नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह गुरुंग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, अच्छे ही रहना है। और आज मैं आया हूँ तुर्रा, मतलब हमारे चिरमिरी में काफ़ी 2 से 3 दर्जन तुर्रा है, जो चट्टानों के बीच से पानी का स्रोत है इसका। और तुर्रे का पानी काफ़ी मीठा होता है, तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे भाई नहा रहा है, कपड़ा वगैरह धो रहा है, वो तुर्रा है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे चैनल में काफ़ी दिखेंगी आप लोगों को, नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और बाकी तुर्रा के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तुर्रा यहाँ का चिरमिरी का, ये जमीन के अंदर से पानी निकलता है चट्टानों के बीच से होकर के, और काफी तेज धारा है इसका। हर तुर्रा के पास भगवान जी का मूर्ति जरूर रहता है और लोग जमीन से निकलने वाले पानी को पूजते भी हैं। तो फ्रेंड्स, यह चिरमिरी का तुर्रा है और चिरमिरी में ऐसे तुर्रे लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 दर्जन तुर्रे होंगे, जो जमीन के अंदर और चट्टानों के बीच से निकलते हैं पानी, और इनका पानी काफ़ी मीठा होता है। और तो यह तुर्रा है और ये पानी उधर से आ रहा है लगभग चट्टानों के बीच से, तो देखिए वहां पे दिख रहा होगा आपको। वहां पे पानी का स्रोत दिख रहा होगा, ये इधर से आ रहा ऊपर की ओर से पानी। फ्रेंड्स, ज्यादातर तुर्रों के पास देखिएगा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जरूर रहता है, छायादार जगह रहता है, काफी अच्छा रहता है। इधर देखिए, इधर नदी नाला तालाब, और यह पानी यहाँ से आता है और इधर तालाब जैसा बन जाता है। और पहले यहाँ मोटर लगाकर कॉलोनियों में पानी दिया जाता था इस जगह से, पर आजकल बंद है। और एक पानी का स्रोत उधर भी है ऊपर की ओर, और कुछ लोग नहाने भी आए हुए हैं बाइक में, यहाँ डब्बा वगैरह लेके। तो हमारे बीच यहाँ तुर्रे में कुछ भाई लोग नहाने वगैरह आए हुए हैं पानी भरने के लिए। तो भाई, क्या नाम है आप लोग का? पीयूष। राहुल, तो कब से आ रहे हो आप लोग इस तुर्रे में? करीबन 8-10 साल से। और ये तुर्रा कितना पुराना है? बहुत पुराना, करीबन 50 साल। अच्छा, 50। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि बुजुर्ग लोग बताते हैं लगभग 40 से 50 साल पुराना यह तुर्रा है। तो ऐसे तुर्रे लगभग 2 से 3 दर्जन है हमारे चिरमिरी में। तो और भी तुर्रों को दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये भूमिगत जल का स्रोत है और चट्टानों के बीच से निकलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मैं अभी एक कुरासिया के तुर्रे में गया हुआ था, अभी वहाँ से आ गया हूँ। तो हम नहाते धोते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, उसके बाद एक और हमारे घर के पास में ही है, वहाँ चलते हैं तुर्रे में। तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है तुर्रा जाने का रास्ता, और इसे अभी कुछ सालों पहले ही हमारे पार्षद जी के द्वारा कॉन्क्रीट, क्या बोलते हैं, सीमेंटेड करवाया गया है रोड को, सीढ़ी वगैरह बनवाया गया है। और ये पूरा व्यू, उधर हमारा कॉलोनी, और इधर सामने जो है वो गिरिडीह दफाई बोला जाता है, और ये बीच में नाला। इतना अच्छे से व्यवस्था करने के बावजूद ये हाल है सीढ़ी का। हमारी टीम जाते हुए भूमिगत जल के स्रोत को खोजने, क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ के तुर्रा में, काफी सालों बाद। पहले यहीं पे आकर खेला करते थे और पानी लेने आया करते थे, पर अभी हालत काफी खराब है। चलिए दिखाते हैं, फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए जाएंगे। हर तुर्रा के जगह पे ऐसा बरगद का पेड़ जरूर होता है, और चट्टानों के बीच से पानी निकलती है, उसे तुर्रा बोला जाता है, भूमिगत जल जिसे बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ से निकल रहा पानी, और ये अंदर से कहीं स्रोत है इसका। उधर मुझे शायद जाते ना बने, फिर भी कोशिश करता हूँ, डर भी लगता है कहीं सांप अपना हो, पर आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। और ये कुंड छोटा सा है देखिए, और ये तुर्रा,
काफी पुराना है, लगभग 50-60 साल पुराना। यहाँ पे एक बाबा आया करते थे, हमारे जो अभी वर्तमान के पार्षद हैं उनके पापा, वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए आजकल आते नहीं है, नहीं तो भोर में 4 बजे ही आ जाया करते थे यहाँ पे। और यहाँ की सफाई करने के बाद यहाँ पे नहाते थे और यहीं पे पूजा वगैरह करते थे, उसके बाद 2 बाल्टी पानी अपने घर के लिए ले जाया करते थे। और ये वहाँ पर कुंड बना हुआ है, हम लोग भी यहीं आकर नहाते थे। और अंदर से कहीं स्रोत से पानी का, अंदर तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं शूज पहना हुआ हूँ और जूता खोल नहीं सकता। शादी में बिलासपुर से जो बराती आए हुए थे, ये नाले के पानी को झरना सोचकर नहा रहे थे यहाँ पे। जब उन्हें पता चला तो काफी हंस रहे थे वो लोग। और ये कुछ डगाले टूटी हुई हैं तो यहाँ रहना उचित नहीं है, चला जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये तुर्रा बताइएगा। हमारे चिरमिरी में लगभग 20-25-30 तुर्रे हैं इस टाइप के, ये तो बहुत पतला है इसका। यहाँ का जो तुर्रा हमारे यहाँ का ये काफी कम है, पर यहाँ का पानी काफी अच्छा होता है बोलते हैं, दाल वाल काफी अच्छे से पकता है। पहले हम लोग यहीं से पानी ले जाया करते थे, पर यहाँ का रख रखाव सही नहीं है तुर्रा का, इसलिए लोग भी अब ध्यान नहीं देते तुर्रा की तरफ। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दूसरे तुर्रा का दिखाते हैं नजारा। कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना नाम भी लिख रखा है और अपने प्यार का इजहार भी किए चट्टानों पे। हनुमान तो बन नहीं सके वरना छाती ही फाड़ के दिखा देते, पर चट्टान में ही लिख के अपना प्यार को दर्शाए हैं। तुर्रे के ऊपर में हमारा स्कूल है, संजय स्मृति स्कूल, जो बंद हो चुका है और क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक था वो। और मेरे सारे चारों भाई बहन वहीं पे पढ़े हम लोग। और यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं सोनामणि के, ज़्यादातर लोग यहीं पे ही पढ़ा अपना 8वीं तक का शिक्षा लिए हैं। तो चलिए जाते वक्त दिखाते हैं, काफ़ी खंडर सा हो चुका हमारा स्कूल, पर काफ़ी अच्छा, जैसा भी है काफ़ी अच्छा है। और जो भी हम लोग सीखे काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, और बहुत सारे टीचर्स थे हमारे वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे, वर्मा सर हो गया, दुर्गा सर हो गए, रवि सर हो गए, कामना मैडम हो गई, हीरा सर हो गए, ये सारे, और हीरा शर्मा सर हो गए, ये सारे हमारे गुरु जी बोला जाए टीचर्स थे, जो काफ़ी अच्छे थे और फैमिलियर भी थे हमारे, हमारे साथ साथ हमारे अभिभावकों से भी काफ़ी उनका अच्छा क्या बोलते हैं व्यवहार था, वो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए चलते हैं और आप लोग ऊपर दिखाते हैं। तब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जब अंधेरा होने वाला था और कुछ देर पहले ही मैं ऑफिस से आया हूँ, तो YouTube में वीडियो बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी मैं, तो हो सके तो मेरा चैनल ग्रो हो जाए अगर आप लोग ज़्यादा प्यार बरसाएंगे तो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और भोला को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बेचारा मेरे साथ काफ़ी मेहनत कर रहा है, जिम में तो करता ही है, YouTube के लिए भी काफ़ी मेहनत करता है। और एक गाय माता भी है, काफ़ी प्यार दे रही है हम लोग, बोलो ग्रो होगा कि नहीं मेरा चैनल, होगा होगा। तो कुछ ऐसा 500 सीढ़ियों का, लगभग 100 सीढ़ियों का है ये चढ़ाव, जिसे उतर के फिर चढ़ के हम लोग तुर्रा जाते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा पहाड़ियों का, यहाँ चारों तरफ पहाड़ी दिखेंगे आप लोगों को, जो काफ़ी मन को प्रफुल्लित करते हैं और एक अलग एनर्जी देती है यहाँ की पहाड़ियाँ। और बोर्ड हमारे ये स्कूल का, संजय स्मृति स्कूल का ये पीछा वाला भाग, हम लोग खिड़की से निकल के भाग जाया करते थे एक आध दो पीरियड पहले, और दूसरे दिन घर पे भी मार खाते थे और टीचर से भी काफी मार खाते थे, और यहीं से नीचे जाकर खेला भी करते थे, काफी खेलते थे ना, बहुत एंजॉय किए इस स्कूल में हम लोग, और काफी यादें जुड़ी हैं हमारी। और एक यहाँ सुदामा नाम के भैया रहते थे, उनका बगान है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रहती थी जिसे खाते थे हम लोग, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा कुछ खंडर हो चुका हमारा स्कूल, और ये कॉलोनी माइनस क्वार्टर हमारे यहाँ का, ये पूरा स्कूल था यहाँ से वहाँ तक, और वो वाला ऑफिस था, और ये सारे इस क्लास में हम लोग बैठे थे, इधर भी 2 रूम था, अभी तो पंडाल बन चुका है गणेश पंडाल। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा हमारा स्कूल संजय स्मृति, जो काफ़ी अच्छा है हमारे दिल में, इसके लिए काफ़ी एक अलग जगह है। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी यादें जुड़ी हैं हमारी इस जगह से, इस स्कूल से, और प्राइमरी शिक्षा हम लोग यहीं से लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी जगह, आप लोगों से दूसरी जगह का दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए तुर्रा से, और आप लोगों को मैंने तुर्रा भी दिखाया, कुरासिया का एक, जहाँ पे मोटे धार गिरते हैं पानी के, और एक दिखाया था हमारे घर के पास में ही है तुर्रा, जहाँ पे बहुत पतला धारा है वहाँ का। पर दोनों जगह का पानी की अलग अलग विशेषताएं हैं, और हमारे जो घर के पास का तुर्रा है वहाँ पे एक बाबा जाते थे जो वर्तमान पार्षद हैं उनके पापा जी, जो काफी सालों तक वहाँ गए, और वो लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे और हाथ में दो बाल्टियां रहा करती थी उनकी, तो उनको देख कर काफी अच्छा लगता था, और वही देख रेख करते थे हमारे यहाँ के तुर्रे का। और आप लोगों को मैंने स्कूल भी दिखाया हमारा, जो हम सारे चार भाई बहन वहीं पे पढ़े हैं, वहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं, जो अभी जर्जर हालत में बंद हो चुका है काफी साल पहले, और अभी तो जर्जर हालात में है, तो उसे देखकर काफी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, फीलिंग अच्छी नहीं थी हमारी। तो जितने भी यहाँ आसपास के बच्चे थे सारे वहीं पे शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। तो ये एपिसोड 1 था, और एक एपिसोड 2 आएगा कल, तो उम्मीद है वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा, अच्छे ही रहना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय और भी काफी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना था, हमारे यहाँ जो तुर्रा में बाबा जी जाते थे, उन बाबा को देखकर हम आकलन किया करते थे सारे स्कूल के बच्चे जितने भी हमारे साथी थे, कि पहले जमाने में ऋषि मुनि ऐसे ही हुआ करते थे होंगे, क्योंकि वो पैर में खड़ाऊ पहनते थे लकड़ी का, और एक भगवा कलर का गमछा लपेटे हुए रहते थे, और व्हाइट दाढ़ी रहती थी, सफेद सफेद व्हाइट बाल रहते थे उनके, और पूरे ऋषि मुनि जैसा दिखते थे वो। तो उन्हें देखकर एकदम अलग सी एनर्जी आती थी और बहुत अच्छा लगता था हमें। तो बस यही चीजें बतानी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।